हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के दौरान आप सभी लोगों से कुछ जानकारी शेयर करना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के दौरान फ्रेंड्स आप सभी लोगों से बताऊंगा कि आप कैसे अपने फ़ोन की जो बैटरी है उसकी लाइफ को कैसे कर सकें और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो जैसे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है जब भी हमारे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसे चार्जिंग के लिए उसे चार्जर में लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम चार्जिंग में अपना फ़ोन लगाकर भूल जाते हैं और जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारा फ़ोन है वो ओवर चार्ज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ओवर चार्ज होने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी बैटरी है वो फूल जाती है कई बार, या हमारी बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा करंट मिलने एक्स्ट्रा चार्ज मिलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बैटरी ख़राब होने लग जाती है और हमारा फ़ोन जो है फ्रेंड्स वो बार बार डिस्चार्ज होने लग जाता है, उसकी बैटरी जल्दी ख़त्म होने लग जाती है। और फ्रेंड्स, ऐसा होने के बाद हमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम उसे रिपेयर कराते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि जो फ्रेंड्स एक बार कंपनी ने बना के दे दिया वो चीज़ कुछ अलग होती है और जो हम बार बार रिपेयर करके बनाते हैं वो चीज़ अलग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज इसी समस्या से निजात पाने के लिए मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि जो फ्रेंड्स आपको खुद बताएगी कि आपका फ़ोन चार्ज हो गया है और उसे चार्जिंग से निकाल लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि फ्रेंड्स जो भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं आप सभी लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और जिसकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पे आके आपने जाना है गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में आके फ्रेंड्स आपने टाइप करना है बैटरी 100 अलार्म। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, बैटरी 100% अलार्म आ गया है। यहाँ इसकी अगर रेटिंग की बात करूँ तो फ्रेंड्स 4.2 रेटिंग है इसकी, 5 मिलियन बार इसे डाउनलोड किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे डाउनलोड पहले से ही कर रखा है, मैं अब इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे इसे इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा दिखता है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है अलार्म स्टेटस वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से आप अलार्म इसे ऑन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही सेटिंग। सेटिंग में आके फ्रेंड्स पहला टोन है, यहाँ पर रिंग टोन सेलेक्ट कर लें आप। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये वाली है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स वॉल्यूम है, इसे आप 100% कर सकते हैं। और यहाँ पे अलार्म रिपीट है कि 2 टाइम्स है कि 3 टाइम्स है, ये आप सेट कर सकते हैं, चाहे मैं 1 टाइम करूँगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्नूज है, यानी कि आप कितनी देर बाद रखना चाहते हैं कि 1 मिनट बाद फिर से दोबारा बजे या 2 मिनट बाद दोबारा बजे, मतलब ऐसे आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे रहने देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन स्टेटस है, ये रहा। उसके बाद फ्रेंड्स डिले भी लिखा हुआ कि कितने मिनट डिले में ये अलार्म बजना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे साइलेंट मोड आ गया। साइलेंट मोड में फ्रेंड्स आ गया अलार्म इन साइलेंट मोड, अगर साइलेंट मोड रहेगा तब भी अलार्म बजेगा। और डू नॉट अलार्म इन साइलेंट मोड, एक है कि जिस अलार्म साइलेंट मोड पर नहीं बजेगा। तो फ्रेंड्स इसमें से जो भी आपको सही लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया वाइब्रेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आप इसे वाइब्रेशन और अलार्म मोड दोनों में रखना चाहते हैं या सिर्फ वाइब्रेट या अलार्म पे रखना चाहते हैं, तो दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये है यहाँ पे फ्रेंड्स लेवल, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे आए। तो आपका चाहे आप 100% कर सकते हैं, जितना आपको सही लगे कि मेरा फ़ोन इस लेवल पर अगर आ जाए, जब ये मतलब चार्जिंग में लगाऊं तो इस लेवल पर अगर आ जाए तो मेरा फ़ोन अलार्म होने लग जाए, यानी मुझे बोलने लग जाए कि हाँ भाई अब मुझे पता लग जाए कि मेरा फ़ोन इतने परसेंट तक चार्ज हो गया है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये चार्ज है और अब मैं इसे सेट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाने के लिए सेट कर देता हूँ 83 पे सेट कर देता हूँ, जैसे 83 पे। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने 83 पे सेट कर दिया इसे। और फ्रेंड्स अब मैं अपना चार्जर कनेक्ट करने जा रहा हूँ इसके साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर की तरफ, और ये देखिए यहाँ पर चार्जर का निशान भी आ गया, यानी मेरा चार्जर जो है मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया है। अब जैसे ही अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ फ्रेंड, और जैसे ही अब मेरा फ़ोन 83% पे आएगा वैसे ही ये अलार्म देने लग जाएगा, यानी ये मतलब कि इसमें
अलार्म होने लग जाएगा, ये फ़ोन अलार्म करने लग जाएगा, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा, अगर मेरे दिमाग से ये निकल गया होगा कि हाँ मैं अपना फ़ोन लगा कर भूल गया हूँ चार्जिंग में, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ मेरे फ़ोन में अलार्म किस वजह से बज रहा है, तो फिर मैं अपना फ़ोन चार्जिंग से रिमूव कर सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 82% है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मेरा जो फ़ोन है वो अलार्म देने लग गया, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार बोला, क्योंकि मैंने इसे एक ही बार सेट कर रखा था। आप इसे सेट कर सकते हैं, बार बार के लिए भी सेट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा देर लगातार बोल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस ऐप की मदद से आप जैसे अपना फ़ोन लगा कर भूल गए हैं, और ये अलार्म आपको याद दिला देगा कि आपने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा रखा है, और इससे आप अपना चार्जर रिमूव कर सकते हैं और इसे बचा सकते हैं अपने फ़ोन को ओवर चार्जिंग होने से। तो फ्रेंड्स, ये थी वो एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप सभी लोग अपने फ़ोन को, जो आपके फ़ोन की बैटरी है उसे सेफ रख सकते हैं और उसे ओवर चार्जिंग होने से बचा सकते हैं, जिसकी मदद से आपका फ़ोन भी सेफ रहेगा और आपकी बैटरी भी सेफ रहेगी। जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपने अगर कोई फ़ोन नया परचेज़ किया है तो उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा टाइम के लिए अच्छी हो जाएगी, या वो ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो एप्लीकेशन जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो फ्रेंड्स, आई होप जो भी मैंने आप सभी लोगों को जानकारी दी है इस वीडियो के दौरान, आप सभी लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और फ्रेंड्स अगर वीडियो सही लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।